आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के पहले अध्याय के श्लोक संख्या 28 को पढ़ रहे और उसको समझने की कोशिश कर रहे। तो विदुर तीर्थ यात्रा में निकल गए थे, अनेक अनेक स्थानों का उन्होंने भ्रमण किया। यमुना के तट पे वे आए और वहाँ पे उनको उद्धव से मुलाकात हुई और उन्होंने उनसे बहुत प्रेम पूर्वक रूप से उनको आलिंगन किया और उसके बाद में उन्होंने यदुवंश और सभी के विषय में उद्धव जी से पूछा। आज यहाँ पे इस श्लोक में श्री विदुर जी पूछ रहे हैं, यह उद्धव मुझे बताओ कि यदुओं का सेना नायक प्रद्युम्न जो पूर्व जन्म में कामदेव था वो कैसा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रद्युम्न जो है रुक्मिणी का पुत्र भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का पुत्र है, उन्हें कामदेव पूर्वजन ये प्रद्युम्न जो है पूर्व जन्म में कामदेव था। भगवान शिव जी के क्रोध से वे भस्म हो गए थे। और ये कैसे हुआ, जब सती ने अपने आप को अग्नि में अपने शरीर से अग्नि उत्पन्न करके अपने आप को भस्म कर दिया क्योंकि उनके पिता ने उनके महान पति शिव जी का अनादर किया, अपमान किया, वह सह नहीं पाई और उन्होंने अपने आप को अग्नि अपने शरीर से अग्नि उत्पन्न करके अपने आप को जला दिया। जब शिव जी ने सुना बहुत ही क्रोधित हुए, दुखी हुए और वे बहुत जो ध्यान गहरे ध्यान में बैठ गए। एक कथा आई भागवत और जब भगवान जब शिव जी ऐसे ध्यान में बैठ गए तो वे ध्यान से बाहर ही निकलने नहीं रहे, बहुत ही डीप मेडिटेशन में वे बैठ, उनको कुछ भी इच्छा नहीं थी, कुछ भी नहीं करना इच्छा रखते थे ध्यान। सती जब उन्होंने अपने देह को त्यागा तो वे जो पार्वती के रूप में उनका पुनर्जन्म हुआ और पार्वती जी जो है सिर्फ भगवान शिव को ही अपना पति के रूप में चाहती थी और कोई नहीं, पर यहाँ पे शिव जी ध्यान में ध्यान से नहीं निकल, तो क्या किया जाए। और ये बहुत जरूरी था कि शिव जी और पार्वती का विवाह हो क्योंकि तारकासुर नाम का एक बहुत ही दुष्ट असुर था और इंद्र और सब देव जो है उनको नष्ट नहीं कर सकता था, कर सकते थे। तब ब्रह्मा जी
उसके पास गए, उसके लिए क्या किया जाए। तो नारद मुनि ने सलाह दी कि उन शिव जी का ध्यान से निकलना जरूरी है, क्योंकि उनका वध सिर्फ शिव और पार्वती का जो पुत्र है वही इस तारकासुर का वध कर सकता। तो सब देवताओं ने कहा कि एक ही रास्ता है शिव जी को ध्यान का भंग करने का, एक ही रास्ता है, वो है कामदेव को उनके पास पहुंचाए। कामदेव वहां जाएंगे और फिर वे जो है शिव जी का ये जो ध्यान है उसको भंग कर और फिर पार्वती जी का उनके साथ विवाह हो सकता है। तो कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ वहां गए इस कार्य को करने के लिए। उन्होंने बहुत कोशिश की शिव जी का ध्यान को भंग करने के लिए। कामदेव ने बहुत कोशिश की लेकिन वो इनका ध्यान भंग ही नहीं हो पाया। उसी समय पार्वती जो है अपनी सखियों के साथ वहां आ पहुंची और उसी समय शिव जी जो है उसका उनका ध्यान भी थोड़ा टूट गया। तो कामदेव ने एक मौका देखा और उन्होंने तुरंत जो है शिव जी के ऊपर काम बाण चला दिया। जैसे ही काम बाण चला दिया शिव जी ने पार्वती की ओर देखा और बहुत ही आकर्षित हो और उनके अंदर काम वासना उत्पन्न हो गई पार्वती को पाने के लिए। पर तुरंत उन्होंने समझ लिया कि ये मेरे अंदर इस स्वभाव का बदलाव कैसे आ गया, अचानक असंभव है। मुझे किस प्रकार से ऐसा मन में या हृदय में इस प्रकार से आकर्षण आ गया, कुछ कारण होगा। तो देखने लगे कि कौन है यहाँ। तुरंत उन्होंने जब उन्होंने देखा देखने लगे तो कामदेव डर गए, छुपने की कोशिश की, पर शिव जी ने उनको देख लिया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख को खोलकर तुरंत ही वहां पे जो है कामदेव का भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति जो है अब उन्होंने देखा कि मेरा पति जो है राख बन गया, तो वे बहुत विलाप करने लगे। तब सब देवता जो है वहां पे आ गए और उनको आश्वासन दिया कि चिंता मत करो, उनको हम जो है फिर से जीवित कर लेंगे और वो जो है शिव जी के पास गए। सब देवता शिव जी के पास गए, उनसे प्रार्थना की और उन्होंने कहा कि ये तो कामदेव की गलती नहीं है, हमने ही सबने जो है आप उनको आपके पास भेजा था, हमने ही भेजा था, उनका कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप ध्यान से बाहर निकालने के लिए और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए
आप जो है उनको क्षमा कर दीजिए। तो इस प्रकार से शिव जी ने कहा कि कामदेव जो है भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के पुत्र के रूप में द्वापर युग में फिर से उन जन्म लेंगे। तो इस प्रकार से जो शिव जी ने कहा, पार्वती जी जो थी वहां पे, उन्होंने रति से कहा कि आपके पति जो है फिर से भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लें और फिर आपका योग जो है फिर से अपने पति से होगा। आप इस वियोग में ज्यादा शोक मत कीजिए और आप भी उसी समय आपका भी जन्म होगा और तब आपका नाम मायावती होगा और आप एक दासी के रूप में असुर सम्राशूर के महल में आप जो है सेवा करें। तो प्रद्युम्न का जन्म हुआ श्री रुक्मिणी और कृष्ण के रूप में, वे जो है उनका पुत्र बन गए। अब नारद मुनि जो है ये सम्राशूर भी वो इतना शक्तिशाली असुर था कि कोई उनको मार नहीं सकता था, कोई मार नहीं सकता। और नारद मुनि जो है उन्होंने जाके सम्राशूर को बता दिया। क्या बता दिया? कि आपको जो है आपका वध रुक्मिणी और कृष्ण के पुत्र से होगा। तो उसने सोचा कि अच्छा ये बात है। तो जैसे ही प्रद्युम्न का जन्म हुआ उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान के इस सुंदर पुत्र प्रद्युम्न को उन्होंने क्या किया, उन्होंने किडनैप कर लिया। किडनैप अपहरण, हाँ अपहरण कर दिया, किडनैप कर को छीन लिया। रात के समय जाकर उन्होंने ले लिया और उन्होंने प्रद्युम्न को सागर के अंदर फेंक दिया। सागर के अंदर फेंक दिया तो सागर के अंदर एक बहुत बड़ी मछली जो है उन्होंने इस बच्ची को गल लिया, उनके पेट में उन्होंने गल लिया मछली। और एक मछुआरा जो था उस मछुआरा ने को एक दिन उनके जाल में ये बड़ी मछली प्राप्त हुई। उन्होंने सोचा तो ये तो बहुत बड़ी मछली है, सो मैं जो है सम्राशुर को के जो रसोई है उनको मैं बेच दूंगा, अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो ऐसे ही किया। तो उन्होंने
उनके जो रसोई है उन्होंने इस मछली को लेके आए और जैसे ही उन्होंने उनको पेट को काटा तो उसमें से बच्चा निकला, सुंदर बच्चा। और उसी समय मायावती जो है वहां पे थी, तो अभी रसोई ने सोचा भी इस बच्चे को क्या करे, उसको कैसे रक्षा करे, तो उन्होंने मायावती को दे दिया उनका देखभाल करने के लिए। उन्होंने मायावती को वो बच्चा जो प्रद्युम्न था को सौंप दिया। तो इस प्रकार से मायावती को प्रद्युम्न प्राप्त हुआ जो असल में उनके पति ही थे पूर्व जन्म में कामदेव। तो जब उन्होंने उनका पालन पोषण करने लगी तो इनका उनका जो उनके साथ व्यवहार था वो माता के जैसा नहीं था, अपने बच्चे के साथ वे जो है काम वासना से उनको देख रही थी, उनको उनके साथ व्यवहार कर। और मायावती को पता था कि ये जो है मेरा पति है, माता पार्वती ने उनको बताया था कि ऐसा ऐसा होगा तो वो जानती थी। लेकिन प्रद्युम्न आश्चर्यचकित हो गए कि मेरी माँ हो लेकिन मेरे साथ ऐसा व्यवहार। तब उन्होंने उनको बताया कि ऐसे ऐसा है कि आप तो कामदेव है, मैं रति हूँ और किस प्रकार से शिव जी के क्रोध से आप भस्म हो गए थे और फिर आप जो है कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए और इस अमरासुर ने इस प्रकार से आपको चुरा लिया था और तब प्रद्युम्न को पता लगा। तो लंबी कथा है, इन प्रद्युम्न ने फिर उनका वध कर दिया, समरासुर का वध। तब मायावती ने कहा कि आप जो है, क्योंकि जब रुक्मिणी ने अपना पुत्र को खो दिया तो बहुत दुखी हो गई, भगवान रुक्मिणी बहुत दुखी हो गए कि इनके पुत्र जो है खो गए। तो मायावती ने कहा कि ऐसे करते हैं कि आप आपके जो माता पिता है रुक्मिणी, वे अभी भी आप के वियोग में दुख अनुभव कर रहे हैं, तो इस प्रकार से हम द्वारका जाते हैं। और जैसे ही द्वारका पहुंचे और सब द्वारका वासियों ने देखा कि प्रद्युम्न की खूबसूरती इतने खूबसूरत थे और भगवान के जैसे देख रहे थे, तो उस समय रुक्मिणी माता ने पहचान लिया कि ये मेरा ही पुत्र है और उन्होंने उनको स्वीकार किया। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस प्रकार ये प्रद्युम्न पूर्व जन्म में कामदेव था और वे जो है श्री रुक्मिणी के पुत्र बने, भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के पुत्र बने। श्री रूप गोस्वामी के अनुसार भगवान कृष्ण के नित्य संगति में से ये कामदेव जो है, भगवान कृष्ण के नित्य संगतियों में से एक है। इसका व्याख्या उन्होंने अपने भाष्य कृष्ण संबंध संदर्भ में विस्तार से किया है।
तो श्री जीव गोस्वामी ने बहुत सारे संदर्भ सत संदर्भ लिखे हैं। उन संदर्भों में से एक है ये कृष्ण संदर्भ। तो श्री प्रभुपाद जी दसवें स्कंद के श्लोक संख्या 55 अध्याय के श्लोक संख्या 1 में वर्णन करते हैं कि कामस्तु वासुदेव वंश। ये कामदेव एक्चुअली जो है भगवान के ही वंश हैं। और ये जो वर्णन कृष्ण संदर्भ में है जो जीव गोस्वामी ने गोपाल तापनी उपनिषद में से लिया है कि ये प्रद्युम्न भगवान का एक अंश ही है। जैसे कि भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं वासुदेव संकर्ष प्रद्युम्न अनिरुद्ध, तो इस प्रकार से जो प्रद्युम्न भी भगवान का ही अंश है। भगवान अब मेरे पास तो हिंदी का भागवतम में ये है नहीं यहाँ पे, पर अभी ही हमने ढूंढा है तो मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ अंग्रेजी में। सुखदेव गोस्वामी से कामदेव क्यूपिड एन एक्सपेंशन ऑफ वासुदेव हैड प्रीवियसली बीन बर्न टू एशेस बाय रुद्रस एंगर। Now to obtain a new body, he merged back into the body of Lord Vasudev. तो एक्चुअली हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जो है सभी जो भगवान के अंश है भगवान श्री कृष्ण के शरीर के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ उनके शरीर में। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। और जब वे द्वारका में थे तो देयर इन द्वारका द ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा एंडाउड विद फुल पोटेंसी रिसाइडेड इन द कंपनी ऑफ थ्री प्लेनेटरी एक्सपेंशन बलराम अनिरुद्ध एंड प्रद्युम्न। तो जब भगवान द्वारका में थे तो उनके जो तीन अंश है बलराम अनिरुद्ध और प्रद्युम्न के साथ वहां पे वास करते। The Krishna Sandarbha goes to explain with reference to the present words of Srimad Bhagavatam that Cupid, when Rudra burnt up with his anger, is a demigod subordinate of Indra. तो ये कामदेव एक देवता और तो प्रद्युम्न जो है भगवान का अंश है। तो जब उन्होंने उनका शरीर का भस्म हो गया तो वो नए शरीर नहीं प्राप्त कर सके तो वो क्या हुआ कि वे जो है कि कामदेव प्रद्युम्न के शरीर में वे लीन हो गए। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया The demigod Cupid became unable to attain a new body on his own, entered within the body of Pradyumna. Otherwise, Cupid would have had to remain in perpetual state of disembodiment, a result of Rudra's having incarnated him with his anger. क्योंकि रुद्र ने उनको भस्म कर तो जो है फिर से शरीर प्राप्त नहीं करता। और रति की प्रार्थना के कारण उनको शरीर दिलवाना था तो कामदेव जो है प्रद्युम्न के शरीर में लीन।
According to Sri Daswami, Pradyumna took birth from the womb of Rukmini before Sri Krishna's marriage to Jambavati, and the Lord's other marriages took place. Subsequently, Pradyumna returned from Sambhara's palace. But before Sukhdev Goswami tells of Lord Krishna's pastimes with his other wives, he will narrate the entire story of Pradyumna for the sake of continuity. तो इस प्रकार से यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी जो है बता रहे हैं. तो श्री गोस्वामी फर्दर नोट्स दैट कामदेव और क्यूपिड नाउ अपीयरिंग विद इन प्रद्युम्ना इज अ पोर्शन ऑफ वासुदेव बिफोर ही इज मैनिफेस्ट फ्रॉम द एलिमेंट चित्त कॉन्शियसनेस which is presided over by Vasudeva, and also because he, Cupid, is the cause of material generation. तो ये जो है यहाँ पे कामदेव का वर्णन किया गया है और भगवद गीता में बताया गया है प्रजनाश्चास्मि कंदर्प of progenitors I am कंदर्प. तो कंदर्प भी जो है भगवान के ही यहाँ पे बताया गया है कि नित्य संगियों में से एक यहाँ पे पुनराज श्रीमद् भागवतम भी जय ओम तत्सत. थैंक यू.